चौधरी चौधरी जी की हिम्मत की दात दो हकीकत है कि लगातार तीन चुनाव हारबा के बाद में यो जज्बो काबिले तारीफ है काबिल तारीफ है मतलब आदमी इतनी मेरी जानकारी के हिसाब से लगातार तीन चुनाव हारने के बाद आदमी की हिम्मत टूट जाती है लेकिन ये जो जज्बा है इसको सल्यूट करता हूं भाई नवलगढ़ चुनाव ले तो मेरे पीछे बाया उदयपुर में भी और अठे देखी बात है झुंझुनू में भी मैं तो पार्लियामेंट का चुनाव का टाइम से, से मना अठे भी भी साहब है शुभकर्ण जी नेता है और चौधरी साहब सच बात है कि झुंझुनू जिला के मायने बीजेपी में कदावर नेता है बाकी मुकाबला को दूसरा नेता कल क्या है कि शुभकर्ण जी बहुत कम वोटाओं हारे है एमएलए में भी एमपी का चुनाव में भी बहुत कम वोटा हारे है और सच बात है कि बने बीजेपी है ना बीजेपी का नेता प्रजेंट एमएलए है परजेंट का विधायक है और पहली का जगह सांसद है और करीब करीब बीजेपी बन हराबा के लाग रही फिर भी सुबह चुनाव हटे लगे सही बात है और आज बबलू चौधरी है MLMP को चुनाव झुंझुनू के मायने लगभग पच्चीस तीस हजार वोटा से हारे है नरेंद्र जी खिचड़ है तो भाई चुनाव तीस पैंतीस हजार वोटों हारिया और है संतोष जी भाई भी अड़तीस हजार वोटों चुनाव हारिया तो करीब करीब जितना भी जाट नेता है मायने सबसे कम मार्जिन से हार वाला नेता है नंबर एक दूसरी बात यह है कि मेहनती आदमी है मेहनती भी आदमी मेहनत में मेहनत में कोई कमी को नहीं है मेहनत करवा में और यह भी है कि जाट समाज करें कि बोट करें। अभी सच बात है कि लाख अभी सही बात है तो और ई झुंझुनू के मायने विजेंद्र जी ओला के सामने बबलू चुनाव हारे है या भामू भामू जी चुनाव हारे है या बबलू जी चुनाव हारे है दोनों ही तीस तीस 25, 25, 30, तीस हजार वोटों का रहा है ई झुंझुनू का मायने सारी विपरीत बीजेपी का लोग विरोध करवा के बावजूद शुभकर्ण जी कम वोटा फर्क कम रहे तो मैं ये बात में तो मानू रहो सवाल में पीछा बाकी आगे जा बाकी तो मैं पहली से बैठे उदयपुर वाटी हो मैं नवलगढ़ चुनाव ले तो मेरे पीछे बाया उदयपुर वाटी में भी और अठे बात है झुंझुनू में भी मैं तो पार्लियामेंट का चुनाव का टाइम से माने से बना रखे चौधरी साहब भी पीछा गुना लोकतंत्र के मायने पक्ष विपक्ष तो वही है और मैं तो चौधरी शुभकर्ण चौधरी जी की हिम्मत की दाद दू हकीकत की लगातार तीन चुनाव हार बा के बाद में यो जज्बो काबिल तारीफ है काबिल तारीफ है आदमी इतनी मेरी जानकारी के हिसाब से लगातार तीन चुनाव हारने के बाद आदमी की हिम्मत टूट जाती है लेकिन ये जो जज्बा है इसको सलूट करता हूं। तो अब जनता को है कि जो जी चुनाव लड़ा है मैं ओला जी का इशारा पे लड़ा है ये बात में कितनी सच्चाई है देखिए एक बात बता दो मामला के मायने मेरो और चौधरी साहब को एक चुनाव वह जीत मैं हारियो चुनाव में जीत्यो बह हारो ड्रा हो तो अब मारो 2020 को कायदा तो बना है चौधरी साहब कहो मेरे 2020 को कायदा तो बना में एक फर्क है चौधरी साहब पार्टी की मेहरबानी से नेता है बड़ो समाज है जाट समाज भी की मेहरबानी से नेता है यदि मेरे कहने चौधरी समाज चौधरी साहब जो तो बड़ो समाज को नहीं बाकी पार्टी को दिल्ली में राज है बाकी पार्टी को राजस्थान में राज है बीजेपी की पार्टी की नेतागिरी करे और मेरे साथ ज़े ज़े में जो जंगे मैदान करे ना तो फ्री स्टाइल में बिना पार्टी आके खे से फिर उठे तो अभी जय